हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे क्रिकेट्स में आपका। फ्रेंड्स, इंडियन पोस्ट जीडीएस वैकेंसी 2020 में टोटल पोस्ट देखिए 5778 पोस्ट निकल चुके हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही बम्पर भर्ती इसको बोल सकते हो, जिसमें आपको 5778 पोस्ट देखने को मिल जाएंगे जो कि ग्राम डाक सेवक से रिलेटेड हैं। ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप 10 पास हो, सिर्फ 10 पास हो तो इस आवेदन को भर सकते हो। सिर्फ 10 पास चाहिए फ्रेंड्स इस आवेदन को भरने के लिए। मेल फीमेल ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हुए, देर ना करते हुए, जितने भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी होती है, जिसकी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को ऑन करके रखें, ताकि जितने भी नए नोटिफिकेशन नए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड मिले सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो फ्रेंड्स देखिए, आज की न्यूज़ है, आज ही जो रिलीज़ की गई है, इंडियन पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2020 5778 पोस्ट अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, नीचे जब आओगे तो अप्लाई ऑनलाइन के लिए देखिए टोटल पोस्ट 5778 पोस्ट हैं। पोस्ट का नाम देखिए ग्राम डाक सेवक देखिए, जिसमें आपको जनरल के 2760 पोस्ट हैं, ओबीसी के 772 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूसी अर्थात इकोनॉमिकली सॉरी ये आपका होगा ये EWS का कोई पोस्ट नहीं है। SC का देखिए 1184 पोस्ट, ST का देखिए 286 पोस्ट, PH का 220 पोस्ट। अप्लाई मोड देखिए फ्रेंड्स, ऑनलाइन मोड है, इसको अप्लाई कर सकते हो। पे स्केल देखिए 5200 से 10,000 तक आपका पर मंथ मिलने वाला है। और ये पे स्केल चाहिए सिर्फ कम है, यहाँ पर देखने को मिला इसमें से कम 15 से 18 या 20 हज़ार से स्टार्टिंग होती है इसकी सैलरी। कैंडिडेट एज लिमिट में बता दूँ फ्रेंड्स, 18 से 40 वर्ष तक इसको अप्लाई कर आवेदन भर सकते हो। SC ST OBC कैंडिडेट्स रिलैक्सेशन यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो नीचे में दिखा रहा है अच्छे से, SC ST 5 साल का, OBC का 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। ग्रामीण डाक सेवक देखिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फ्रेंड्स, नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि एप्लीकेशन फ़ी का जो भरना है कितने, जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपये पड़ेंगे, लेकिन SC ST PH फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फ्री है, ये कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ मेरिट लिस्ट से आपका होगा, इसमें भी कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला, बस सिर्फ आपको मेरिट लिस्ट से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा और कुछ नहीं देना है। फ्रेंड्स, अगर आप टेंथ पास हो और इंग्लिश मीडियम से पास हो तो बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। अगर आप देखिए यहाँ पर बस खाली एडुकेशन क्वालिफिकेशन मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है, टेंथ पास होना चाहिए और इंग्लिश रिलेटेड फ्रॉम स्टेट बोर्ड में इंग्लिश से संबंधित होना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। आपका एग्ज़ाम होगा सिर्फ मेरिट लिस्ट से और इसके अलावा और कोई बात नहीं है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट डेट देखिए, 5 दिसंबर से इसकी सबमिशन स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 14 दिसंबर तक चलेगी, सिर्फ 12 दिन तक इसके एग्जाम चलेंगे, अवेलेबल सून हो जाएंगे एडमिट कार्ड। जॉब लोकेशन सेंटर वेस्ट बंगाल, मैंने बताया फ्रेंड्स कि एग्जाम सेंटर इसका वेस्ट बंगाल पड़ने वाला है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, नीचे आपको डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्लिक करके इसको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। देखिए इसको बस क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। देखिए वेस्ट बंगाल ऊपर में दिखा रहा है डाउनलोड नोटिफिकेशन, 5778 पोस्ट साइकिल। तो ये जो एग्जाम है बहुत ही ईजी एग्जाम है, देखिए 5 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक इसका एग्जाम वो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, 10 दिन के प्रायर में इसका एग्जाम सॉरी ये सब ऑनलाइन एप्लीकेशन चलेगा, तो उसी के भीतर आपको फिल करना है। फिल एप्लीकेशन स्टेप टू में देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट करना है, थर्ड स्टेप में सबमिट पोस्ट प्रेफरेंस और प्रीव्यू एंड टेक प्रिंट आउट कंप्लीशन ऑफ दीज थ्री स्टेप्स विल ओनली बी ट्रीटेड एज सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। बस इतने भरने हैं, आपको जॉब लग जाएगी फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी जॉब है। ये जॉब पाने के लिए बहुत बच्चे यहाँ से वहाँ दौड़ते फिरते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ग्रुपों में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करिए, ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन वीडियो के मिले चैनल में कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।